नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीते दिन बिहार के इन 5 जिलों में नहीं मिले कोरोना के एक भी मरीज। पटना में कल से लगेगी स्पुतनिक वी वैक्सीन। बिहार में अगले महीने से काम करने लगेंगे आधुनिक अभिलेखागार। शिक्षा मंत्री ने एसटीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए निकाला रास्ता। डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच के लिए बिहार से भी लिए जाएंगे सैंपल। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में बारिश से मिली राहत तो उमस ने किया लोगों का बुरा हाल। आद्रा नक्षत्र की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत बिहारवासियों को बारिश से राहत मिल गई। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो भले ही बिहारवासियों को बारिश से राहत मिल गई है, लेकिन अब लोगों को उमस का सामना करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार के पूर्वी इलाके को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर लगभग एक हफ्ते तक बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वायुमंडल के निचले स्तर पर नमी की मात्रा बढ़ी हुई है। इसकी वजह से जब तापमान बढ़ेगा तो उमस भरी गर्मी बढ़ेगी। अगले कुछ दिनों तक लोगों को ऐसी गर्मी परेशान करेगी। हालांकि तापमान में जब ज्यादा इजाफा होगा तो गरज के साथ हल्की बारिश की स्थिति भी बन सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 6 जुलाई की दोपहर तक आद्रा नक्षत्र जारी रहेगा, जिसके बाद ही अब बारिश में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना बिहार में जताई जा सकती है। बिहार में अगले महीने से काम करने लगेंगे आधुनिक अभिलेखागार। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में खास पहल की है, जिसके तहत विभाग ने बिहार में अगले महीने से आधुनिक अभिलेखागार सह डेटा केंद्र के संचालन का आदेश जारी किया है, जिसकी शुरुआत सुपौल जिले से की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में भूमि सर्वेक्षण कामों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई थी, जहां पर उन मौजों पर ध्यान केंद्रित किया गया जहां सर्वेक्षण का काम एडवांस स्टेज में है। इसके साथ ही बैठक में उन 9 जिलों में भू सर्वे के काम की समीक्षा की गई, जहां निदेशालय से 4 अधिकारियों की टीम को स्थल पर जाकर काम के प्रगति को देखने के लिए भेजा गया था। डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच के लिए बिहार से भी लिए जाएंगे सैंपल। कोरोना के वर्तमान माहौल के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। जानकारों की माने तो अगर इस वेरिएंट पर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में और ज्यादा खतरनाक रूप ये ले सकती है। यही कारण है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में काम कर रही है। इतना ही नहीं, इस नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए बिहार से भी जांच के सैंपल लिए जाने की तैयारी हो रही है। इसी क्रम में केंद्र ने राज्यों को इंडियन सार्स CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने हालिया नतीजे के बारे में सचेत किया है। बिहार में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की जांच को लेकर सैंपल उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित वायरोलॉजी लैब में भेजे जाएंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए जांच का निर्णय लिया गया है। इंडियन रेलवे ने अपने नाम की एक बड़ी उपलब्धि। इंडियन रेलवे ने साल 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जक का लक्ष्य तय किया है, जिसकी कवायद शुरू हो गई है। यही कारण है कि ट्रेनों में पर्यावरण अनुकूल बायो टॉयलेट परियोजना को लागू करने वाला भारतीय रेल दुनिया का पहला रेलवे बना है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्व मध्य रेल की सभी ट्रेनों को बायो टॉयलेट से युक्त किया जा चुका है। वहीं स्टेशनों पर सोलर पैनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पूर्व मध्य रेल के जिन 58 ट्रेनों में हेड ऑन जनरेशन सिस्टम लगाया गया है, जिसमें राजेंद्र नगर टर्मिनल, नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, सहरसा नई दिल्ली, वैशाली एक्सप्रेस, सहरसा पटना, जनहित एक्सप्रेस, गया नई दिल्ली, महाबोधि एक्सप्रेस सहित अन्य प्रमुख ट्रेनें शामिल है। शिक्षा मंत्री ने एसटीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए निकाला रास्ता। परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल चल रहा था कि हम पास हो तो रहे हैं, लेकिन हमें मेरिट लिस्ट से बाहर क्यों किया गया है। ऐसे में अब बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षक बहाली को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले सभी अभ्यर्थी शिक्षक बहाली के पात्र होंगे। इसमें एसटीईटी की 2011 एवं बीएसईबी की 21 जून को जारी एसटीईटी 2019 की दोनों प्रकार की सूची के अभ्यर्थी शामिल है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि एसटीईटी अभ्यर्थियों की चिंता से सरकार पूरी तरह से वाकिफ है। उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट दोनों तरह के अभ्यर्थियों को न सिर्फ 7वें चरण बल्कि 8वें चरण की नियुक्तियों में मौका मिलेगा। दिल्ली एम्स में भर्ती हुए मुख्यमंत्री नीतीश अपनी आंखों का इलाज करवाने राजधानी दिल्ली पहुंचे। नीतीश कुमार की आंखों का ऑपरेशन आज होने वाला है। वहीं ऑपरेशन को लेकर आज सुबह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एम्स में भर्ती करवा दिया गया। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के बाद वो यहां पर 4 से 5 दिन तक भर्ती रह सकते हैं, जिसके बाद विपक्षी दलों द्वारा बार बार सीएम नीतीश कुमार के अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही पीएम मोदी से मिलने को लेकर लग रहे कयासों पर विराम लग गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की खबरें मीडिया में आ रही थी, तब से ही लगातार विपक्षी दलों की तरफ से यह आरोप लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी से मिलने जा रहे हैं। मॉनसून सत्र से पहले सभी एमएलए कर ले ये काम। मॉनसून सत्र को लेकर अटकलें तेज हो गई है। हालांकि कोरोना की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, साथ ही कोरोना के बहुरूपीय प्रवृत्ति को देखते हुए स्पीकर विजय सिन्हा ने अपना फरमान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सभी एमएलए को यह सुनिश्चित करना होगा कि मॉनसून सत्र से पहले वो
अपना टीकाकरण अवश्य करवा ले। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सभी विधायकों से अपने क्षेत्र में भी टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र में 80% लोगों का टीकाकरण हो जाएगा वहां के विधायकों को बिहार विधानसभा के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। बिहार सरकार ने बैंकों को लगाई फटकार। बिहार सरकार ने हाल ही में सभी बैंकों को फटकार लगाई है। सरकार के समक्ष पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य के बैंक आम लोगों से डिपॉजिट लेने में जितने तत्पर दिखाई देते हैं उन अनुपात में लोन लेने में उतनी उदारता नहीं दिखाते हैं। यही कारण है कि पिछले 10 साल में बैंकों में लोन लेने की रफ्तार महज 12% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके तहत जहां एक तरफ बैंकों में लोगों ने 1,12,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं, वहीं इसकी तुलना में बैंकों ने मात्र 38,723 करोड़ रुपए का लोन बांटा है। इस तरह साख जमा अनुपात यानी कि सीडी रेशियो 33.99% था। 10 साल बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 में बैंकों में डिपॉजिट बढ़कर 3,96,471 करोड़ रुपए हो गया है। इसकी तुलना में उस साल 1,75,474 करोड़ रुपए का ही लोन बांटा गया। बिहार के इन 5 जिलों में नहीं मिले कोरोना के एक भी मरीज। बिहार के लिए राहत की खबर सामने आई है। कोरोना की जारी लहर के बीच बिहार के ऐसे 5 जिले सामने आए हैं जहां पर कोरोना संक्रमण बिल्कुल ही गायब नजर आया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार के 5 जिलों में कोरोना के नए संक्रमित नहीं पाए गए। इसमें बक्सर, जहानाबाद, रोहतास, शिवहर और सीतामढ़ी जिला शामिल है। ये ऐसे जिले हैं जहां पर संक्रमण की रफ्तार थमती नजर आ रही है। इसके साथ ही बिहार की बात करें तो बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 298 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके तहत सबसे ज्यादा प्रभावित जिला राजधानी पटना ही है, जहां बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 71 नए मामलों की पुष्टि हुई है। भभुआ रोड पटना स्पेशल ट्रेन का परिचालन हुआ शुरू। भभुआ रोड पटना स्पेशल ट्रेन का परिचालन आज से शुरू हो गया है, जिसके तहत यह ट्रेन अपने पूर्व निर्धारित समय 8:19 पर गया जंक्शन पहुंची। यहां से 45 मिनट की देरी से यह रवाना हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इन दोनों ट्रेनों का परिचालन 29 अप्रैल से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। वहीं आज से एक बार फिर से इसका परिचालन शुरू कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि कोरोना को लेकर लगभग 2 महीने बाद भभुआ रोड पटना स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है। इससे दैनिक यात्रियों को सफर करने में काफी सहूलियत हुई है। 26 जून से 60,000 छात्र छात्राओं को मिलेगा सर्टिफिकेट। मैट्रिक परीक्षा 2020 के छात्र छात्राओं को 26 जून से मूल्यांकन पत्र मिलने वाला है। इसके तहत मैट्रिक परीक्षा 2020 के साथ ही माध्यमिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का मूल प्रमाण पत्र भी जिले में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत इन दोनों साल के मूल प्रमाण पत्र संबंधित स्कूल के हेडमास्टर जिला शिक्षा कार्यालय से लेंगे। इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक ने इस संबंध में DIO को निर्देश जारी किया है। हालांकि इस बात का भी खास ध्यान जाएगा कि बच्चों की सूची में कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर संबंधित स्कूल के हेडमास्टर 2020 और 2019 के कागजात साथ लेकर आएंगे, जिसके बाद जिला शिक्षा कार्यालय में ही सभी सूची का मिलान किया जाएगा। 4 जुलाई को जदयू करेगा किसानों के लिए वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन। जदयू किसानों के लिए 4 जुलाई को वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन करने वाला है, जहां पर किसानों से जदयू टिकाऊ खेती खुशहाल किसान विषय पर विशेष बातचीत करने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जदयू मुख्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में अध्यक्ष RCP सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की मौजूदगी में पार्टी की बैठक आयोजित की गई, जहां तय हुआ कि आगामी 4 जुलाई को किसान प्रकोष्ठ समेत पार्टी के 1000 पदाधिकारी जूम ऐप के माध्यम से शामिल होंगे। साथ ही बड़ी संख्या में लोग इस सम्मेलन में लाइव जुड़ेंगे। वहीं इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने कहा कि जदयू अपने विचार और संस्कार में बाकी पार्टियों से काफी अलग है। टेस्ट चैंपियन में जीत के साथ न्यूजीलैंड को मिली इतनी रकम। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया। इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड की इस जीत के साथ ही टीम पर धन की बारिश भी हुई है। ICC की तरफ से न्यूजीलैंड की टीम को 16 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 12 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि उपविजेता भारतीय टीम को भी मोटी रकम इनाम के तौर पर यानी कि 6 करोड़ रुपए मिली है। इतना ही नहीं, खिताब जीतने वाली टीम और उपविजेता रहने वाली टीम के अलावा ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर रहने वाले टीमों को भी इनाम दिया जाएगा, जिसके तहत अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम को भी इनामी राशि ICC की तरफ से मिलने वाली है। भारत में कोरोना के मिले 50,000 से ज्यादा मामले। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 54,069 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 1321 लोगों की जान चली गई है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट से के 40 से अधिक मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 68,885 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। इसके साथ ही अब तक 2,90,63,740 लोग घातक वायरस को मात देकर जिंदगी की जंग जीतने में कामयाब रहे हैं। देश में फिलहाल सक्रिय मामले घटकर 3,91,981 रह गई है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।